हिस्ट्री बेसिकली इसमें आज हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, ठीक है। बंगाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही सबसे पहला एरिया था जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी जगह बनाई थी, क्या पैर जमाई थी, और दूसरी बात है कि इसी की वजह से उन्हें फ्रांसीसियों को बाहर निकालने में हेल्प मिली थी। जब बंगाल पे उन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया था तो उसी के थ्रू उन्होंने आसानी से उन्हें कर्नाटक के युद्ध में भी हरा दिया था। इसी वजह से बंगाल बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल के जो राजा थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कुछ रोका नहीं, ऐसी कौन सी कंडीशन हुई थी जो प्लासी का वॉर हुआ था, क्योंकि अगर हम देखें जैसे बोला जाता है कि प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दिया था, तो वो कंडीशन तो पहले भी अराइज हो सकती थी, और फिर वहाँ पर उसी समय क्यों कंडीशन अराइज हुई, उससे पहले भी मतलब जो बोला जाता है कि दूसरी स्टेट में भी तो हो सकती थी, वहीं ये वाली स्टेट में ये वाली कंडीशन क्यों अराइज हुई, ऐसी क्या वजह बन गई थी बंगाल में। और बंगाल बहुत प्रॉस्परस था, बहुत संपन्नशाली था, पहले से सारी यूरोपियन कंपनियाँ की जो निगाह थी वो वहाँ पर रहती थी, बिजनेस के बहुत ज़्यादा चांस थे, और ये कंपनियाँ तो बिजनेसमैन थी, बिजनेस करने के लिए आई थी, तो ये सारी वजह कहाँ से बनी थी। तो अगर बंगाल का अगर हम ब्रिटिशर से लिंक करके देखें तो सबसे पहले बंगाल में इन्हें अधिकार मिला था, बंगाल में 1651 में इन्हें अधिकार मिला था, 1651 में जो समय वहाँ के गवर्नर थे शाह शुजा, उन्होंने उस समय ब्रिटिश अधिकारियों को मात्र 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में उन्होंने बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी शाह शुजा। एक्चुअली क्या हुआ था कि शाह शुजा की उस समय वाइफ थी जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, तब इन्हीं की तरफ से एक पर्सन था डॉक्टर आया था, डॉक्टर बॉटन, उसने उसकी बीमारी को सही कर दिया। तो लगता है ना कि हाँ बीमारी सही हो गई तो बस लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं, तो उन्हें इसी खुशी के मारे बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया था, और इससे पहले ये वाला अधिकार किसी भी यूरोपियन कंपनी को मिला ही नहीं था। तो 1651 में, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटीज हुई थी वो क्या हुई थी 1698 में इन्हें उस समय पर बंगाल में तीन जगह मिली थी, सूटानाटी, कालीकाता और गोविंदपुर। अंग्रेजों को, हाँ अंग्रेजों की बात कर रहे हो, फ्रांसीसियों ने तो कुछ किया ही नहीं था, और वैसे ही फैले लोगों की कोई बात भी नहीं करता। सूटानाटी, कालीकाता और गोविंदपुर, ये तीन जगह ऐसी हैं जो 1698 में उस समय पर वहाँ का जो जमींदार था इब्राहिम शाह से ये तीन जगह मिली थी, जहाँ पर अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर बनाया था। 1700 में जो कलकत्ता शहर बना था वो इन तीन जगह को मिलके बना था, और ये कलकत्ता शहर बाद में उनके एक बड़े व्यापार हब के रूप में, बिजनेस हब के रूप में डेवलप हुआ था, ये वाला कलकत्ता शहर 1698 में, जो कि अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि जितनी भी बाद में कंपनियां आई थी वो ये सोच रही थी कि बंगाल में हम एक बड़ा सा ऑफिस मतलब बड़ा सा अपना हब बना लें, पर इससे पहले ब्रिटिशर्स इसे पाने में सफल हो गए थे और कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाई थी, पहला फोर्ट बनाया था फोर्ट विलियम। एंड 1717 कंपनी का मैग्ना कार्टा फरुखसिया द्वारा जो दिया गया था, जिसने तो लास्ट मुहर लगा दी थी कि हाँ बंगाल बिहार उड़ीसा में फिर से 3,000 रुपये पर वो मुक्त व्यापार कर सकते हैं। फरुखसिया जो समय के मुगल राजा थे, फरुखसिया थे जो उस समय के तत्कालीन मुगल राजा थे, फरुखसिया थे जो उस समय के मुगल राजा थे, औरंगजेब के बाद जो आए थे उनमें से थे फरुखसिया। तो फरुखसिया भी बीमारी से परेशान था, पहले ये परमिशन नहीं दे रहा था, पर इसकी जो बीमारी थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, और इसकी बीमारी को भी इन्होंने सही कर दिया था, ब्रिटिशर्स की तरफ से एक डॉक्टर आया था हैमिल्टन, उन्होंने इस बीमारी को सही कर दिया, तो ये भी बहुत खुश हो गए, और खुशी के मारे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ब्रिटिशर्स को दी थी, जैसे गुजरात में सूरत में मुक्त व्यापार करना 10,000 रुपये के बदले, अंग्रेजों के सिक्के चलाने की अनुमति देना, और उसी में से एक और अनुमति थी बंगाल बिहार उड़ीसा, यहाँ पर फ्री ट्रेड करना बंगाल बिहार उड़ीसा में। तो ये चीज़ें थी जहाँ पर बताया जाता है कि अंग्रेजों ने पहले से ही अपने बंगाल में कदम जमा लिए थे, इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो विशेष अधिकार अंग्रेजों को मिले थे, और ये अधिकार अभी तक किसी और को नहीं मिले थे, दूसरी जो कंपनियां थी पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी उनको ये विशेष अधिकार नहीं मिले थे, तो पहले से कदम बढ़ चुके थे। ओके,
इसके बाद बात करते हैं कि वहाँ की बंगाल की पॉलिटिकल कंडीशंस, बंगाल के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उन्होंने क्यों सपोर्ट नहीं किया। तो उस समय जो बंगाल था, क्योंकि राजा फर्रुखसिया वगैरह जो आए थे मुगलों में, उसके बाद तो जो दूसरे स्टेट्स थे वहाँ के जो सूबेदार थे वो फ्री होकर काम करने लगे थे। मुगलों का उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह गया था। मुगल थे, राजा थे, काम कर रहे थे, पर वो सिर्फ एक कठपुतली नाम मात्र के थे। जो फर्रुखसिया वगैरह जो बने थे, बाद के जो राजा बने मोहम्मद शाह रंगीला वगैरह, वो सिर्फ एक नाम मात्र के राजा थे जिनके पास अपना कुछ का कोई अधिकार नहीं था। उसकी जगह पर उनके मिनिस्टर्स वगैरह वर्क कर रहे थे, जैसे फर्रुखसिया के समय पर सैयद बंधु थे जो काम कर रहे थे। तो इसी वजह से कोई इधर आसपास जो भी सूबेदार था वो अपना पर्सनली वर्क कर रहा था, किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया। तो बंगाल में 1717 में वहाँ का सूबेदार बनाया गया था मुर्शिद कुली खान को, ये जो मुर्शिद कुली खान था, अगर हम इसके बारे में बात करें तो मतलब बंगाल के सूबेदार था, इसके समय पर सबसे ज़्यादा दस्तक का दुरुपयोग शुरू हुआ था। दस्तक क्या था, जो फर्रुखसिया था, फर्रुखसिया ने जो अधिकार दिया था उसके लिए एक पासिस तो होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि उन्हें विशेष अधिकार है, मतलब उन्हें चुंगी कर वगैरह कुछ पे नहीं करना। वैसे क्या होता था कि चुंगी कर देते थे तो सीधे उसकी इनकम कहाँ जाती थी, राजा के पास, सूबेदार के पास, पर उस विशेष अधिकार की वजह से चुंगी कर अंग्रेजों को नहीं देना पड़ता था, तो राजाओं को इससे लॉस हो रहा था। पर उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, अपने लिए तो यूज किया ही किया, उन्होंने उस दस्तक को बेचना भी शुरू कर दिया। उस फ्री पासिस को, एक तरीके से फ्री पासिस कर सकते हैं, उसे सेल आउट करना शुरू कर दिया भारतीय व्यापारियों को। तो पहले अंग्रेजों से तो नुकसान हो रहा था, अब उसके साथ साथ व्यापारी जो लोकल थे वो भी नुकसान देना शुरू कर दिए। वो पासिस दिखा दे तो उन्हें चुंगी पे नहीं करना पड़ता था और उसका बेनिफिट उठाया जाता था। तो इसी वजह से इसके समय पर सबसे ज़्यादा दस्तक का दुरुपयोग हुआ था। पर इसके अलावा मुर्शिद कुली खान की एक और चीज़ है जो प्रशंसा वाले लायक है, उसने इस समय पर कर लेने की इजारेदारी प्रथा भी शुरू की थी, टैक्स लेने की इजारेदारी प्रथा शुरू की थी। और इसके समय पर बंगाल में नियमित रूप से कर भी लिया जाता था, इजारेदार प्रथा शुरू की थी और इसी के समय पर बंगाल में नियमित रूप से कर लिया जाता था मुर्शिद कुली खान के समय पर। क्लियर है जो इसके समय पर बोला जाता है कि हाँ, बंगाल में भले ही दस्तक से जो दुरुपयोग हो रहा था, पर टैक्स में जो नियमितता आई थी, मतलब रेगुलर बेसिस पे जो टैक्स लिया जा रहा था, उससे भी बंगाल को प्रॉफिट हो रहा था। इजारेदारी प्रथा कहा जाती थी। क्लियर हुआ, तो ये चल रही थी। ओके, इसके बाद जो बोला जाता है 1717 में चला था। अच्छा, दूसरी बात है कि मुर्शिद कुली खान के उस समय के जो सूबेदार थे अजीम उस्मान, उससे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए थे, जो औरंगजेब का पोता था। इसी वजह से इन्होंने अपना जो कैपिटल था वो ढाका की जगह मुर्शिदाबाद बनवा दिया था। इसका जो कैपिटल था वो ढाका की जगह क्या हो गया था, मुर्शिदाबाद। ढाका आपको आता है बांग्लादेश में, पहले वो बंगाल का ही हिस्सा था, उसकी जगह इन्होंने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद में चेंज कर दिया था। काफ़ी समय तक ये कैपिटल मुर्शिदाबाद में रहा था। और बंगाल में 1719 में उड़ीसा भी शामिल हो गया था, मुर्शिद कुली खान को उड़ीसा वाला हिस्सा भी इसी में दे दिया गया था। इससे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा अलग अलग थे, पर 1719 में उड़ीसा भी किस में शामिल हो गया था, मुर्शिद कुली खान के समय पर शामिल हो गया था। तो मुर्शिद कुली खान ने जो भी है दस्तक का दुरुपयोग हुआ या कुछ भी हुआ, पर अच्छे से वर्किंग किया, अच्छे से इनकी वर्किंग चली आ रही थी, इनके समय पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सके। इनका टेन्योर था 1717 से 1727 तक। फिर इसके बाद मुर्शिद कुली खान के जो दामाद थे शुजाउद्दौला, वो नेक्स्ट राजा बने थे 1727 से 1739। शुजाउद्दौला के बारे में बोला जाता है कि चाहे कुछ भी है पर इन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया था, इनकी प्रजा इनसे खुश थी, इनके जो दरबारी वगैरह थे वो भी खुश थे, और जो इनके फादर ने, वो दामाद थे, जो इनके ससुर ने जो भी लॉन्च किया था स्कीम वगैरह, उसे बहुत अच्छे से बैल मतलब सेटल अच्छे से चला रहे थे। तो इनके समय पे भी किसी ने कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं किया था। इनके समय पर 1733 में
बिहार शामिल हो गया था बंगाल में, जो बिहार का हिस्सा था उसे भी बंगाल में शामिल कर लिया गया था, और इन्होंने बिहार का नायब सूबेदार अली कुल्ली खान को बनाया था, अली वर्दी खान सॉरी सूबेदार अली वर्दी खान को बनाया था, अली वर्दी खान, इन्होंने बिहार का सूबेदार अली वर्दी खान को बनाया। यही चीज कहीं ना कहीं इनके वंश के लिए घातक सिद्ध हो गई, क्योंकि अली वर्दी खान एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था और वो पूरे एरिया को एक साथ ले जाने की सोचता था, पर सुजाउद्दौला के समय पर उसे ऐसा कोई चांस मिला नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग सारे लोग उसी से खुश थे तो ये चांस तो बिल्कुल नहीं मिला। परंतु जैसे सुजाउद्दौला एक्सपायर हुआ और उसका बेटा नेक्स्ट नवाब बना 1739 में सरफराज, तब इसे चांस मिल गया, क्योंकि सरफराज खुद अयोग्य था अयास करने वाला, तो प्रजा भी खुश नहीं थी, लोग भी इसे खुश नहीं थे। जब राजा ही निकम्मा होगा तो दूसरे लोगों को तो बहुत अच्छे से चांस मिलेगा ही मिलेगा, और ये चांस किसको मिला? अली वर्दी खान को। अली वर्दी खान ने इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, अपनी सेना लेके पहुंच गया बंगाल में, एक तो सामने से युद्ध किया सरफराज के साथ, जिसे बोला जाता है गिरिया का युद्ध, 1740 में हुआ था गिरिया का युद्ध, और इस युद्ध में, इस गिरिया के युद्ध में इसने सरफराज को हरा दिया था, गिरिया का युद्ध अली वर्दी खान और सरफराज के बीच में, और इस युद्ध में इसने सरफराज को हरा दिया। पर इसे लग रहा था कि क्योंकि अली वर्दी खान कहाँ था, बिहार से आया था, तो इसे ये लग रहा था कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो हो सकता है कि मुगल लोग मुझसे नाराज हो जाएं, क्योंकि मुगलों का अभी भी भले ही इतना ज़्यादा नहीं था पर फिर भी था तो डोमिनेशन, लोगों को डर तो था मुगल राजा का, काफ़ी समय तक चला रहा है वो, तो मुगल राजा है ही है, तो इन्हें ये लगा था कि मुगल राजा कहीं नाराज ना हो जाए। तो उस समय क्या था, ये उस समय की कंडीशन थी कि मुगल राजाओं की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डाउन दावादोल चल रही थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि स्टेट आपस में फ्री हो चुके थे, बंगाल स्वतंत्र हो चुका था, अवध का स्टेट भी स्वतंत्र हो चुका था, आसपास वाले स्टेट स्वतंत्र हो गए थे, राजपूत राजाओं ने अपना एरिया ऑलरेडी कैप्चर में कर रखा था, और ये जो अधिकार वगैरह दे दिए थे तो बिजनेस से भी इतना कोई ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा था, और राजा सिर्फ नाम के लिए बचे थे, कोई डिसीजन खुद ले नहीं रहे थे। मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर्स तो अपनी पोजीशन को अपना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उन्हें क्या मतलब बिजनेस से, राज्य से, वो तो ये सोच के रखते हैं कि हमारी पोजीशन अच्छे से बनी रहे, हम यहाँ पर टिके रहें, उन्हें सिर्फ यही मतलब होता है। तो इसने जाके 16 करोड़ का नजराना पेश किया राजा के सामने, एक तरीके से रिश्वत दी अली वर्दी खान ने। उस समय के राजा कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। उस समय के जो राजा थे मोहम्मद शाह रंगीला थे, तो रंगीला तो खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या दिया उस समय पर, उसे नजराना दिया, रिश्वत टाइप से दी कि मैं तुम्हें हर साल देता रहूँगा। तो मुगल राजा ने कहा अच्छी बात है, अपने आप पैसे आ रहे हैं तो कौन रोकेगा, तो उस समय तैयार हो गए। बट द थिंग इज दैट इसने सिर्फ वन टाइम पैसे दिए थे, उसके बाद इसने कभी पैसे भी नहीं दिए अली वर्दी खान ने। जब फर्स्ट टाइम पैसे दिए थे 16 करोड़ तभी पैसे दिए, उसके अलावा इसने पैसे ही नहीं दिए, जो ये बताया जाता है। अच्छा क्लियर हुआ? ओके, तो इसने जो बोला जाता है कि फर्स्ट टाइम पे जाके 1740 में क्या किया था इसने, मुगल राजा को नजराना दिया, तो एक तरीके से वो खुश हो गए, और उन्होंने आक्रमण भी नहीं किया बंगाल की तरफ, क्योंकि उनकी आक्रमण करने की कैपेसिटी नहीं थी, उन्हें खुद ही उस समय नादिर शाह का अटैक हुआ था, बाजीराव का अटैक हुआ था, तो खुद ही वो इस कंडीशन में नहीं थे, वो युद्ध से वैसे ही भागते रहते थे, युद्ध ना हो मच बेटर है, वो युद्ध करना भी नहीं चाहते थे। तो उसी का प्रॉफिट मिला कि ये आसानी से अली वर्दी खान बंगाल बिहार और उड़ीसा तीनों के कंबाइंड रूप से क्या बन गए, एक तरीके से राजा बन गए, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अली वर्दी खान के बारे में बताया जाता है कि जो अली वर्दी खान थे उनका शासन बहुत अच्छे से चला आ रहा था 1740 से लेके 1756 तक। इनके सामने जो प्रॉब्लम आई थी वो यही आई थी कि इनके समय पर मराठों ने बहुत ज़्यादा अटैक किए थे, क्योंकि मराठों का ये काम होता था दक्षिण की तरफ अटैक करने का, बंगाल की तरफ अटैक करने का, तब इन्होंने मराठों के साथ एक संधि कर ली थी 1751 में, उन्होंने इसके तहत उड़ीसा वाला हिस्से की जो इनकम थी आई थी वो मराठों को दे दी, और उसके अलावा 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने का भरोसा दिया, जिसे मराठे बार बार अटैक ना करें, जिससे मराठे बार बार उस पर आक्रमण ना करें।
₹12 लाख प्रतिवर्ष देने का वादा भी किया, जिससे जो मराठे हैं वो बार बार आक्रमण ना करें। क्लियर है? तो बोला जाता है कि इसने 16 सालों तक बहुत अच्छे से वर्क किया था, किसी ने इसे रोका नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर 16 सालों के बाद सिर्फ मराठों का अटैक था, मराठों के अटैक को भी रोक दिया था। इसके यूरोपियन के साथ भी अच्छे संबंध थे, इसने अंग्रेजों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बना के रखे थे। इसने खुद स्टेटमेंट दिया था कि जो यूरोपियन कंपनियाँ हैं वो मधुमक्खी की तरह हैं, अगर इन्हें परेशान नहीं करोगे तो सह देंगी, अगर परेशान करोगे तो फिर छेड़ के मार डालेंगी, इसलिए उनको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। परंतु इसने किसी भी यूरोपियन कंपनी को अपने यहाँ पर दुर्ग बनाने की इजाज़त नहीं दी थी। जो होता है किलाबंदी करके सैनिक रखना, वो इजाज़त बिल्कुल नहीं दी। संबंध अच्छे बनाए रखे, जो बिजनेस कर रहे थे सब कुछ कर रहे थे, उसमें कोई रोकथाम नहीं किया, कभी फाइटिंग वगैरह कुछ नहीं किया, पर उन्हें दुर्ग बनाने की इजाज़त भी नहीं दी। अली वर्दी खान का बताया जाता है कि प्रजा के साथ भी इनका अच्छा बिहेवियर था, हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनसे खुश थे, मुसलमान प्रजा भी मतलब हिंदू प्रजा भी इनके साथ खुश थी, और शासन बहुत अच्छे से चला रहा था। तो अली वर्दी खान का शासन अच्छे से बिना किसी के मतलब फाइटिंग किए हुए बहुत अच्छे से निकला था। पर इनके सामने जो प्रॉब्लम ये आई थी कि जब ये एक्सपायर होने वाले थे, जब बीमार थे, इनका कोई बेटा नहीं था, इनके 3 बेटियाँ थी और इनके दामाद भी तीनों ख़त्म हो चुके थे, दामाद भी कोई नहीं बचा था और इनका ऑलरेडी कोई बेटा नहीं था। इनकी बेटियों की शादियाँ हुई थी, एक की हुई थी ढाका में ढाका के नवाब के साथ, दूसरी बिहार में पूर्णिया के नवाब के साथ, और तीसरी पटना के नवाब के साथ। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना जो देखा कि किसे बारिश बनाया जा सकता है, तो इन्होंने अपनी छोटी बेटी जिसकी शादी हुई थी पटना के नवाब के साथ, उसके बेटे सिराजुद्दौला को अपना नवाब घोषित कर दिया। उसके बेटे सिराजुद्दौला को अपना नवाब घोषित कर दिया जो हुई थी शादी, उसके बेटे सिराजुद्दौला को अपना नेक्स्ट नवाब घोषित कर दिया। क्लियर है? यहीं से आपका जो बताया जाता है कि जो सिराजुद्दौला को बनाया था, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट आपके अराइज हो गए थे। एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल था जिसने ये बोला बताया था कि जब अली वर्दी खान एक्सपायर हो रहे थे, तब उसने सिराज को बोला था कि ये जो यूरोपियन कंपनियां हैं ये इस प्रकार की हैं कि अगर तुमने इन्हें ढील दे दी तो फिर ये हमारा हाल भी उसी टाइप से करेंगे जैसे इन्होंने तेलंगाना का किया है। उस समय यूरोपियन कंपनी में साउथ में वॉर चल रहा था, दक्षिण भारत में आपस में युद्ध चल रहा था, वहाँ पर फ्रांसीसी और अंग्रेज जिन्होंने वहाँ के लोगों को राजाओं को आपस में डिवाइड करके रखा था, वहाँ की प्रजा को डिवाइड करके रखा था, सिर्फ एक कठपुतली हो गए थे वहाँ के राजा वगैरह, तो देखा था हमने राजा वगैरह हो गए थे। तो उसने यही बोला था कि अगर तुमने इन्हें ढील दी तो यहाँ का हाल, बंगाल का हाल भी वही होगा जैसा वहाँ का हाल है, तो इन्हें ना कभी दुर्ग बनाने देना और ना ही इन्हें कभी सेना रखने देना। और इन शक्तियों में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग अंग्रेज है, तो पहले अंग्रेजों पर फोकस करना, अगर तुमने अंग्रेजों को डाउन कर दिया तो दोनों शक्तियाँ इतना ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। ये सीख दे के गया था पहले से कि तुम अपने देश को उनके जैसा बनाने नहीं देना, अगर तुमने उन्हें सेना रखने दिया तो तुम्हारा देश तुम्हारे पास नहीं बचेगा। ऐसा एक अधिकारी हॉलवेल, उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। इसी वजह से जो सिराज था वो पहले से ही अंग्रेजों के लिए काफ़ी ज़्यादा संकालू था कि क्या है, कैसे है, करना चाहिए। क्लियर हुआ? ओके। सिराज के सामने प्रॉब्लम क्या थी? सिराज के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम रह जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सिराज की और अंग्रेजों के बीच में दुश्मनी की मेन वजह क्या थी, किस वजह से उनके बीच में दुश्मनी हुई थी सिराज के बीच में और अंग्रेजों के बीच में? राजनीति वजह थी पहले तो, राजनीति ये हुआ था कि अली वर्दी खान ने क्या किया था, किसको नवाब बनाया था, सिराजुद्दौला को, तो दोनों जो बेटियां हैं उनके तो रिश्तेदार तो होंगे, उनके तो कुछ लोग होंगे, वो कैसे अपोच, वो कैसे रहने देंगे, जबकि तो छोटी बेटी थी जी। तो जो अली वर्दी खान की बड़ी बेटी थी जो कि ढाका की नवाब की विधवा थी जी। घसीटी बेगम, वो अपने बेटे को यहाँ का नवाब बनाना चाहती थी। उन्होंने अपना बेटा था, एक बेटा गोद लिया हुआ था जो सिराज का खुद का छोटा भाई था, जिसे घसीटी बेगम ने गोद लिया था, मुरादउद्दौला, उसे वो अपना नवाब बनाना चाहती थी बंगाल का, जिससे उन्हीं का आधिपत्य बना रहे। क्लियर हुआ? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। दूसरा,
जो पुरिया थे, पुरिया की जो उनकी बेटी थी, उनका भी बेटा था सोकतगंज, वो भी किस पे क्लेम कर रहा था? बंगाल पे क्लेम कर रहा था, क्योंकि बंगाल की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो वो भी बंगाल पे क्लेम कर रहा था। तो ये लोग क्लेम कर रहे थे, और इसी को इन लोगों का किसने सपोर्ट किया? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। ये लोगों के पास क्या था ऑप्शन? अंग्रेजी थे। तो जो बताया जाता है कि घसीदी बेगम थी, घसीदी बेगम का एक दीवान था राजवल्लभ, जिसने घसीदी बेगम को सपोर्ट कर रहा था पैसों के बिहाव में। जब ये सिराज को पता चला, तो सिराज ने राजवल्लभ को पकड़ने के लिए गया था, तो राजवल्लभ ने उसी बीच में क्या किया, सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे किसने वल्लभ को दे दी और उसे अंग्रेजों के पास भेज दिया। तो यहाँ से सिराज को लगा कि वो अंग्रेज हम मेरे दुश्मनों की सहायता कर रहे हैं, जो मेरे दुश्मन हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और जो सोकतगंज था, सोकतगंज के साथ उनका पदविहार चलता रहता था, उनके साथ वो रहता था, तो उसे ये लगने लगा था कि जो मेरे दुश्मन हैं उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। तो राजनीतिक कंडीशन वहाँ पे बन चुकी थी, दोनों युद्ध हो चुके थे। सोकतगंज के साथ उसका युद्ध हुआ था 1757 में, मनिहारी का युद्ध, जिसमें इसने फाइनली सोकतगंज को तो हरा दिया था। मनिहारी का युद्ध सोकतगंज के साथ इसका युद्ध हुआ था, मनिहारी का युद्ध, जिसमें मनिहारी 1756 में। सिराज राजा बना था 56 से 57, सिराज बना था राजा, सिराजुद्दौला 56 से 57। तो सोकतगंज के साथ तो इसका कौन सा युद्ध हुआ था? मनिहारी का युद्ध। तो सोकतगंज तो खत्म हो गया था, पर यहाँ पर इसके मन में ये भावना जरूर आ गई थी कि अंग्रेज लोग हैं वो मेरे दुश्मनों की सहायता कर रहे हैं। और अंग्रेज बंगाल में अंग्रेजों को भी लगा कि हम इसी प्रकार से अपने प्रभाव को स्थापित कर सकते हैं। तो सिराज की खुद की जो राजनीतिक कंडीशन थी, उसके बीच में अंग्रेजों के बीच में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए। ठीक है, तो सिराज पहला रीजन ये था राजनीतिक। दूसरा, सिराज पहले से अंग्रेजों पर संदेह करता था। क्या हुआ था कि जब ये राजा बना था, उसी बीच में वहाँ पर 70 वर्षीय युद्ध शुरू हो चुके थे वहाँ पे फ्रांस में, और अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स के बीच में 70 वर्षीय युद्ध शुरू हो चुके थे। तो जो 70 वर्षीय युद्ध शुरू हो गए थे, उसमें फ्रांसीसियों ने और अंग्रेजों ने अपने अपने बंगाल में दुर्ग बनाने शुरू कर दिए थे। वैसे इनके बीच में फाइटिंग हो रही थी कहाँ पर? कर्नाटक में। पर ये चाह रहे थे कि आसपास के एरिया पे भी कब्जा कर रहे थे, तो इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दुर्गीकरण करना शुरू कर दिया। तो बताया जाता है कि जब ये दुर्ग बना रहे थे, तो क्योंकि सिराज को अपने नाना जी की सीख याद आ गई थी कि इन्हें दुर्ग बिल्कुल मत बनाने देना और सेना तो बिल्कुल नहीं रखने देना, इसी वजह से इसने क्या किया था, अंग्रेजों को मना किया था कि आप दुर्ग नहीं बनाओगे, और फ्रांसीसियों को भी मना किया। वहाँ पर बंगाल में फ्रांसीसियों की मुख्य बस्ती कौन सी थी? चंद्रनगर। उनकी बस्ती जो मेन बस्ती थी बताया था मैंने, चंद्रनगर। और यहाँ पर इनकी तो कलकत्ता थी, अंग्रेजों की मैन थी कलकत्ता थी। तो ये क्या कर रहे थे? कलकत्ता का ध्रुवीकरण कर रहे थे, उसके चारों तरफ खाइयाँ खोद रहे थे। तो यहाँ पर सिराज ने भेजा कि तुम्हें किसी से डरने, तुम दुर्ग नहीं बना सकते क्योंकि ये मेरा एरिया है, और तुम्हें किसी से डरने की क्या जरूरत है जब मैं यहाँ पर हूँ सिक्योरिटी के लिए। ये स्टेटमेंट भेजा था क्योंकि उसे पता था कि अगर अपना दुर्ग बनाएंगे, किला बनाएंगे, सेना बना रखेंगे, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा। तो फ्रांसीसी तो इसके बाद मान गए, फ्रांसीसियों ने ध्रुवीकरण करने का छोड़ दिया, ने चंद्रनगर का ध्रुवीकरण नहीं किया, पर अंग्रेज ने इनकी बात सुनी ही नहीं। अधिकारी को जो भेजा था, तो बताया जाता है कि एक अधिकारी था, उसने इसको जवाब दे दिया कि जो खाइयाँ हैं, मतलब इसने बोला कि खाइयों को समतल किया जाए, खाइयाँ आप खोद नहीं सकते। तो उसने बोला कि हाँ खाइयाँ भर जाएंगी, पर मुसलमानों के सिरों से, ऐसे स्टेटमेंट दिया था उस अंग्रेज अधिकारी ने कि हम खाइयाँ तो भर देंगे, पर हम किसके सिरों से भरेंगे? मुसलमानों के सिरों से, मतलब आपके लोगों के यहाँ से। तो इस बात से सिराज को तो नाराज होना ही था। इसी वजह से अंग्रेजों के बीच में पर्सनली भी दुश्मनी थी, ये नहीं कि वो दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा था, पर वहाँ पे पर्सनली भी दुश्मनी भी थी। क्लियर हुआ? तो दूसरा पॉइंट था कि उनके अंग्रेजों के बीच में पर्सनली दुश्मनी होना। तीसरा, व्यापारिक झगड़ा। व्यापारिक झगड़ा क्या था कि जो दस्तक था, दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज, थे अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, और सिराज तक आते आते इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इस वजह से इनके राजस्व को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था,
सिराज के राजस्व को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जो इन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था दस्तक का, क्योंकि अभी तक क्या थे, अंग्रेज अधिकारी इसका फ़ायदा उठा रहे थे, पर इन्होंने ये दस्तक को भारतीय व्यापारियों को देना शुरू कर दिया, तो राजस्व बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा था इसकी वजह से। तो इसी वजह से इसने अंग्रेज अधिकारियों से बात की, पर अंग्रेज अधिकारी कि आप हमारे लोगों को मत बेचो, पर वो इस बात के लिए तैयारी नहीं थे, ठीक है। चौथा, अंग्रेजों ने खुद नवाब के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया था। जब सिराज का राजाभिषेक हो रहा था, तब अंग्रेजों ने ना इनसे मिलने आए थे, ना ही इसे कोई गिफ्ट दिया था, जबकि फ्रांसीसी वगैरह मिलने आए थे राजाभिषेक के समय पर, गिफ्ट वगैरह भी दिया था, पर अंग्रेजों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो पहले से ही सिराज के प्रति इतना ज़्यादा उदासीन थे, क्योंकि इन्हें सिराज की कंडीशन पहले से ही पता थी, और इसने जो पद विवाह किया भी था अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेज इनके लेटर्स का कोई आंसर भी नहीं देते थे, जबकि जो सौगतगंज जो लेटर वगैरह देता था तो उसका आंसर देते थे। तो इसे अच्छे से समझ में आ गया था कि जो अंग्रेज हैं वो मेरी तरफ ना होके दूसरी तरफ हो रहे हैं, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्रिएट कर गई सिराज के मन में, दिमाग में आ गई कि जो अंग्रेज हैं वो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, और उनके मन में सिर्फ यही है कि वो मेरे दुश्मनों का सपोर्ट लेके, जो मेरे दुश्मन हैं उनका सपोर्ट लेके मुझे गद्दी से हटाना चाहते हैं। और सही भी था, उस समय ये सपोर्ट ले रहे थे, जितने भी भगोड़े लोग थे जो बंगाल के दुश्मन थे, उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा था, अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, जितने भी बंगाल के दुश्मन थे उन सबको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिराज के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन हुई, तो अब सिराज को समझ में आ गया कि ऐसे काम चलेगा नहीं, अब तो अपनी आर्मी के थ्रू काम चलाना होगा। इसी वजह से सिराज ने जो उनका एरिया था कासिम बाजार, उसमें 15 जून पे आक्रमण करके उसे अधिकार में कर लिया कासिम बाजार पे, और कलकत्ता पे भी अधिकार कर लिया। तो बताया जाता है कि उस समय जो कलकत्ता के गवर्नर वगैरह थे, कलकत्ता का गवर्नर था उस समय ड्रेन, वो सबके सब कलकत्ता का जो गवर्नर था, मैंने बताया था ना इनके गवर्नर सबके अलग अलग होते थे, तो कलकत्ता का गवर्नर था ड्रेन, और भी लोग थे, वो सबके सब भाग कर फुलता द्वीप पे चले गए थे 15 जून 1756 में। ये सबके सब लोग भाग के चले गए थे फुलता द्वीप पर, और जो किला था, किला मतलब जो आपका था सेंट जॉर्ज किला, वो नहीं सेंट जॉर्ज नहीं था, यहाँ पर कौन सा था, सेंट विलियम, विलियम किला जो था कलकत्ता का किला था, उस पर फाइनली किसने अधिकार कर लिया था, सिराज ने अधिकार कर लिया। ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स भाग गए थे। यहीं पर बताया जाता है कि इसी समय पर एक बहुत फेमस घटना हुई थी, ब्लैक कोठरी, काल कोठरी वाली घटना बोली जाती है। यहीं पर 20 जून को हॉलवेल ने बताया था कि काल कोठरी वाली घटना हुई थी। यहीं पर काल कोठरी की घटना क्या हुई थी, 20 जून 1756 काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना ये थी कि एक छोटा सा हॉल था, 10 फीट लंबा और 14 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा, इस टाइप से एक हॉल था। उस हॉल में 146 लोगों को बंद कर दिया गया था, एक बहुत छोटे से हॉल में 20 जून को, और जब अगले दिन खोला गया तो सिर्फ 23 लोग उसमें से जिंदा थे और सबके सब लोग मारे गए थे। और इस घटना के बारे में सिर्फ एक ही बंदे ने बताया है, हॉलवेल ने, किसी और ने इस घटना के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिए, इसलिए बोला जाता है कि ये जो घटना थी वो हॉलवेल की मनगढ़ंत घटना थी, जिसमें सुल्तान का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। 15 जून को अटैक किया था, और ये घटना हुई थी 20 जून 1756 में, 20 जून 1756 में काल कोठरी की घटना, जिसके बारे में हॉलवेल ने बताया है कि एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद किया था, और अगले दिन सिर्फ 23 लोग जिंदा थे, जिसमें वो खुद भी जिंदा था हॉलवेल। पर उस समय के जितने भी किताब हैं, मतलब उस समय के जो इतिहासकार हैं, या उस समय के जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, या जिन लोगों ने फुलता द्वीप समूह में शरण ली थी, या बाद में इन लोगों ने क्या किया था कि इस समय सियाचिन के बीच में, इनके बीच में एक संधि भी हुई थी, प्लासी के युद्ध से पहले इनके बीच में एक संधि भी हो चुकी थी, मजबूरी में दोनों ने संधि की थी। तो उस संधि में भी अंग्रेजों ने मुआवजा जो मांगा था, जो भी उन्हें नुकसान हुआ था उसका जो मुआवजा मांगा था, उसमें इन्होंने इन लोगों के लिए कोई मुआवजा नहीं मांगा था सिराज से। और उस समय एक और इतिहासकार था गुलाम हुसैन,
उसी किताब में भी इसके बारे में कोई जिक्र है ही नहीं, इस घटना के बारे में। अगर इतनी कोई बड़ी घटना होती तो उस समय तो कोई जिक्र होता, लोग उसके बारे में बताते तो सही, पर उस किताब में इस घटना के बारे में कोई जिक्र है ही नहीं। तो इस घटना से पता चलता है कि ये सिर्फ उसकी मनगढ़ंत घटना थी हॉलवेल की, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर जो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो फिर कार्रवाई की थी उसे वो जस्टिफाई कर सके, सिराज को एक बुरा बता सके, इसलिए ये घटना घटित की गई थी। क्लियर हुआ? ओके, तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह बनी थी कि अटैक किया था? फाइनली जो आपका कलकत्ता था वो किसके कब्जे में आ चुका था? फिर से सिराज के कब्जे में आ चुका था। और यहाँ पर इसने कलकत्ता का नाम कर दिया था अली नगर, कलकत्ता का नाम चेंज करके अली नगर कर दिया था, कलकत्ता का नामकरण होके इसका नामकरण कर दिया था अली नगर। अली नगर क्लियर है? तो इस घटना में सिर्फ हॉलवेल के अलावा और कोई बंदा नहीं था, हॉलवेल के बारे में तो बोला जाता है बहुत झूठा था, अली नगर हो चुका था। अब यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों को पता चला कि हमारे अधिकार से निकल चुका है, जो मद्रास काउंसिल थी, जो मद्रास का प्रेसिडेंसी एरिया था, वहाँ पे एडमिरल थे वॉटसन और उस समय सेनापति थे जनरल रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि उस समय फाइट कर रहे थे वहीं पर क्लाइव। जब उन्हें इस घटना का पता चला तो उन लोगों ने फिर डिसाइड किया कि मुझे हमें बंगाल में जाना चाहिए, तो ये अपनी सेना के साथ लेके कहाँ पर आए थे? बंगाल में। और इन्होंने उस समय जो अली नगर का किला था, इन्होंने क्या किया था, जो इनका किला था विलियम किला था फोर्ट था उस पर इन्होंने अपने एक अधिकारी को अपॉइंट किया था, और खुद कहाँ पे चले गए थे? मुर्शिदाबाद में। पर्टिकुलर तो वहाँ पे रहे नहीं थे क्योंकि कलकत्ता इतनी बड़ी जगह नहीं थी, अभी कलकत्ता इतना बड़ा जगह है, लगता है कि बंगाल में सबसे बड़ी जगह तो वही है, पर स्टार्टिंग में कलकत्ता इतनी बड़ी जगह नहीं थी। कलकत्ता आपकी डेवलप होना शुरू हुई है 1700 के बाद, धीरे विकास हुआ है, अब इतनी बड़ी जनसंख्या की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है ये है। तो उन्होंने वहाँ पे चले गए थे कलकत्ता में, और वहाँ पे उनका एक अधिकारी था, किले का सूबेदार था मीर चंद, उसे इन्होंने रिश्वत दी, मतलब क्लाइव वगैरह ने रिश्वत दी, और रात के समय पर इन्होंने अटैक किया घुस के, और फिर जो किला था फाइनली फिर से किसके कब्जे में आ गया था? अंग्रेज अधिकारियों के। तो स्टार्टिंग से अंग्रेज बहुत क्लेवर थे, उन्हें पता था कि भारतीयों की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, उसी पे निशाना लगाया जाए, पैसा, उसी के थ्रू ये काम कर रहे थे। इनकी जो नींव रखी गई थी वो इसी दम पे रखी गई थी, अगर वो अधिकारी नहीं मिलता, सूबेदार नहीं मिलता, तो ये विलियम को जीत ही नहीं पाते हमेशा के लिए, इनका मद्रास इनके हाथ से निकल चुका होता। इस समय कर्नाटक का युद्ध भी चल रहा था, पर ये थी कि हमारे यहाँ के लोगों ने हमेशा अंग्रेजों का सपोर्ट किया, उसके वजह से ये फाइनली धीरे धीरे अपने पैर जमाते रहे। यहाँ पे उसे पता चला, यहाँ पर जब इसे पता चला सिराज को, तो सिराज अपनी सेना के साथ लेके आया था, पर सिराज के ससुर ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि हमें फ़ाइट नहीं करना चाहिए, काफ़ी सारे संबंधी वगैरह थे जो अंग्रेजों के साथ फ़ाइट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, और अंग्रेज भी सिराज के साथ इस समय फ़ाइट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि अगर हमने सिराज के साथ कोई संधि नहीं की, फ़ाइट की, सेना तो इतनी थी नहीं इनके पास फ़ाइट की, तो उस केसेस में हो सकता है कि फ्रांसीसी लोग इनसे आके मिल जाए। अगर सिराज से फ्रांसीसी आके मिल गए तो हमारा पत्ता तो मद्रास से भी कट है, कर्नाटक से तो ऑलमोस्ट ही कट हो गया था, उस समय कंडीशन ये बन गई थी, यहाँ से भी मद्रास से कट है, और इनसे 300 मील दूर पर ही कौन था हैदराबाद था, हैदराबाद के नवाब भी किसके अधिकार में थे? फ्रांसीसी के अधिकार में, बूसी था उस समय पर, बूसी जो बहुत ज़्यादा कैपेबल था फ्रांसीसियों में। तो इसी वजह से इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें आपस में ही संधि बना के अपने टर्म्स को अच्छे से कर ले, अगर कोई ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आके फ़ायदा उठा ले। खुद क्लाइव ने बोला था कि अगर हम संधि करने में थोड़ा सा भी डिले हो जाते, 3-4 दिन का भी अंतर आ जाता, तो शायद हो सकता था कि सिराज फ्रांसिसियो के साथ मिल जाता। तो फाइनली दोनों के बीच में आपस में बातचीत हुई, और 9 फरवरी 1957 में दोनों के बीच में संधि हो गई, अली नगर की संधि। 9 फरवरी 1957 में दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, अली नगर की संधि। कोलकाता में आज भी एक एरिया है जिसको अली नगर है। अली नगर का वो पुराना एरिया, उसको बहुत पुराना होगा, अली नगर के नाम से जाना जाता है सिराज के समय पर था। तो ये फाइनली हो गई अली नगर की संधि। ये अली नगर की संधि क्या थी? अंग्रेजों की जो दस्तक है
उनसे कोई चुंगी कर वगैरह नहीं लिया जाएगा। व्यापारी को उन्हें अनुमति दी जाती है, वो अपने दुर्ग बना सकते हैं, वो अपने सिक्के चला सकते हैं बंगाल में, और उसके अलावा सिक्के चला सकते हैं। उसके अलावा जो दुर्गीकरण था, दुर्गीकरण वगैरह भी अलाउ कर दिया था, और जो लॉस हुआ था अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेजों को, उसका मुआवजा कौन देंगे? सिराज दे देंगे। तो बीच में फाइनली 9 फरवरी 1957 में 57 में ये संधि हो गई। सत्तावन आपका तो 23 जून हुआ है ना, 23 जून 1957। सिराज को वही चीज थी कि सिराज के संबंधी लोग थे जो इसे बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे, और इसे समझ में आ गया था जो इनकी सेना वगैरह थी कि अगर मैं फाइट करूंगा तो इतना रिजल्ट नहीं आएगा। ये अपनी आर्मी लेके आ चुके थे मद्रास से, पहले तो इनकी आर्मी थी नहीं बंगाल में, तो इसने फाइट कर लिया था, यहाँ पे आर्मी वगैरह आ चुके थे, और लोगों ने भी फोर्स किया होता है ना कि जब आमने सामने के लोग आप पे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, क्योंकि सिराज इतना ज़्यादा कैपेबल तो था नहीं, इतना ज़्यादा इसे एक्सपीरियंस था नहीं राजा बनने का, अली वली खान ने तो फिर भी एक्सपीरियंस था, ये बना था सिर्फ योग था, साहसी था, सब कुछ था, झुकने वाला बंदा नहीं था, सोकरगंज की तुलना में काफ़ी योग था, पर एक्सपीरियंस के लैकिंग में ये अंग्रेजों के उस पर, मतलब जो बोला जाता है कि अंग्रेजों की वजह से ये पीछे मार खा गया। इसने अंग्रेजों के साथ एक संधि नहीं की थी कि मैं उनके दुश्मनों को सपोर्ट नहीं करूँगा, पर अंग्रेजों ने समझा कि अलीनगर की संधि में ये वाली भी संधि इंक्लूड है कि वो फ्रांसीसियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सिराज ने खुद बोला था कि मैंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी थी कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सिराज उस समय पर बंगाल में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों का दुश्मन मानते ही नहीं था, क्योंकि बंगाल में फ्रांसीसियों ने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं था अब तक, सारे काम हो रहे थे वो कर्नाटक में, और वो कंडीशन तो ये थी कि एक दूसरा देश हो जाता था, कर्नाटक मतलब भारत तो था नहीं, एक दूसरा देश है जिसमें दूसरे देश को कोई मतलब होता नहीं था, तो यहाँ तो उन्हें दुश्मन मानते नहीं थे, इसलिए उसे फ्रांसिस की तरफ से ऐसी कोई संधि नहीं की थी। तो सब वैसे जो चल रहा था, अंग्रेजों फ्रांस यहाँ पे लगे पड़े थे, इसी बीच में मार्च में अंग्रेजों ने चंदनगर पे आक्रमण कर दिया, जिसका लॉस फ्रांसिसियों को बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था, जिसकी वो भरपाई कर भी नहीं पाए, और जिसकी वजह से कर्नाटक का युद्ध भी धीरे धीरे एक तरफा हो रहा था। जब चंदनगर पे आक्रमण किया था, इस बात से सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा नाराज हो गया कि उन्होंने हमारी संधि का उल्लंघन किया, मेरे एरिया में आक्रमण क्यों किया, क्योंकि इस संधि में एक और कंडीशन थी कि अंग्रेज इनके एरिया में आक्रमण नहीं करेंगे। तो चंदनगर बेसिकली किसके एरिया में आता था? सिराज के एरिया में, भले वो फ्रांसीसी के उसमें आ रहा था, फ्रांसीसी का एरिया था, पर था तो इसी का एरिया, तो इसीलिए इसको सिराज को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मेरे से बिना पूछे, मुझसे बिना परमिशन लिए आक्रमण क्यों किया। फ्रांसिसी से ऐसे कोई सिंपैथी नहीं थी, हाँ पहले सिंपैथी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि तो फ्रांसिसी इसके बात को सपोर्ट कर रहे थे, अंग्रेज तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। संधि को मानना दोनों पक्षों की मजबूरी थी, दोनों साइड की तरफ से मजबूरी थी, दोनों ही इस संधि को फुलफिल नहीं करना चाहते थे, पर यह था कि उस समय के टाइम के हिसाब से तो उन्होंने संधि की थी। पर जब चंदनगर पे आक्रमण हुआ तो वो इस बात से नाराज था, और उसने फ्रांसिसियों की सपोर्ट के लिए उसने अपनी एक टुकड़ी भी भेजी थी चंदनगर में, पर अंग्रेजों ने उसे भी हरा दिया था, टुकड़ी भेजी थी, पूरी सेना नहीं भेजी थी। यहाँ से अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कंडीशंस हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, इनके खिलाफ साजिश बनाना शुरू कर दिया। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इसके खिलाफ साजिशें तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी कंडीशन समझ में आ गई थी कि अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो सिराज अपनी सेना के साथ आ जाएगा, और सिराज की बंगाल की सेना एक बहुत बड़ी सेना थी उस समय, 50,000 की सेना थी ऑलमोस्ट, इनके पास तो कोई सेना थी नहीं, इसी वजह से इन्होंने उस समय पर फाइटिंग करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के क्या क्या कारण थे? सबसे पहला जो तत्कालीन कारण था, एक वो यही था कि अंग्रेजों ने उस समय फ्रांस पे आक्रमण कर दिया था, चंदनगर पे आक्रमण कर दिया था, तो जिसे सिराज ने समझा कि इन्होंने अलीनगर की संधि को पूरा नहीं किया है, और यहाँ पर जब उसने चंदनगर में अपने सैनिक टुकड़ी को भेजा तो अंग्रेजों ने समझा कि सिराज ने अलीनगर की संधि को तोड़ा है। तो दोनों ही तरफ से आपस में ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि दोनों ही संधि को पूरा नहीं कर रहे हैं, संधि की शर्तों को, इसी वजह से दोनों साइड एक दूसरे से नाराज हो गए थे। क्लियर है, ये क्वेश्चन तो यही आता है कि अलीनगर की संधि होने के बावजूद भी प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था। ठीक है, दूसरा, जो नवाब ने इन्हें आश्वासन दिए थे कि हम उन्हें मुआवजा देंगे,
वो मुआवजे का सिर्फ आश्वासन ही रह गया, वो मुआवजा दिया ही नहीं था। जो बोला था ना कि आपको जो भी नुकसान हुआ है, अंग्रेजों ने बोला था कि हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप कर दो, तो इस समय सियाज ने बोला था कि तुम्हें हम नुकसान की भरपाई कर लेंगे। पर इसके बावजूद भी उन्होंने नुकसान की भरपाई करने का बिल्कुल नहीं सोचा, उन्होंने नुकसान की भरपाई नहीं की थी। ठीक है, तो दूसरी पहली कंडीशन क्या थी, तत्कालीन कारण तो यही हो गया, अंग्रेजों का कहाँ पे आत्मा करना, चंदनगर पे आत्मा करना, फर्स्ट चंदनगर पे जो फ्रांसीसी बस्ती है उस पर आत्मा करना, जिससे पता चला संधि की शर्तें पूरी नहीं हुई। दूसरा, सिराज का मुआवजा ना देना, क्योंकि सिराज तो करने ही नहीं चाहता था, सिराज उसी कंडीशन में था ही नहीं, कंडीशन मतलब थी पर वो इनके अंग्रेजों के सपोर्ट में करने ही नहीं चाहता था। क्लियर है? दूसरा, सिराज के विरुद्ध साजिश षड्यंत्र। अगर हम साजिश बात करें सिराज की, तो सिराज और अली वर्दी खान में यही डिफरेंस था, जो सिराज था वो कट्टर था हिंदुओं मुसलमान हिंदुओं के लिए, मुसलमान था सिराज तो हिंदुओं के लिए काफ़ी कट्टर था, इसी वजह से मतलब उस समय के जो लोग थे वो हिंदू लोग थे वो इससे नाराज थे। इसका खुद का सेनापति था मीर जाफर, जो इससे नाराज चला रहा था, इसका सेनापति था मीर जाफर, वो चाहता था कि वो खुद नवाब बन जाए या नवाब के रूप में काम करें। उसके अलावा जो समय के इसका दूसरा सेनापति था दुर्लभ जगत, दुर्लभ सेठ, एक जगत सेठ थे, एक अमीर चंद थे। तो जो हिंदू लोग थे, उस समय का जो सबसे बड़ा बैंकर था, बंगाल का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था, वो था जगत सेठ। वो भी किससे नाराज चल रहा था? सिराज से, क्योंकि सिराज ने उसकी भी उसे भी अपमानित किया था, उसकी भी इंसल्ट की थी, वो भी इससे नाराज चल रहा था। ये सब लोग नाराज चल रहे थे और अंग्रेजों को इसके बारे में पता चल गया था कि ये लोग खुद नाराज हैं और खुद सिराज को हटा के नवाब बनने का सोच रहे हैं। तो अंग्रेजों ने सोचा, क्लाइव ने सोचा, सब कुछ पॉलिसी क्लाइव की थी कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो सिराज की खुद की जो आंतरिक स्थिति थी, आंतरिक जो क्रिएट हो चुकी थी अंदर की अंदरूनी कंडीशन, वो भी इसके विरुद्ध में बन चुकी थी। इसके तो सिराज के बीच में सॉरी जो मीर जाफर था, मीर जाफर के बीच में और जो दूसरे लोग थे उनके बीच में, अंग्रेजों के बीच में लाइजन के रूप में या मीडिएटर के रूप में किसने काम किया था? अमीर चंद ने। अमीर चंद जो एक व्यापारी था जिसका अंग्रेजों से व्यापार के नाते बहुत अच्छा खासा मिलना जुलना था, तो सिराज को उसमें कोई डाउट नहीं था क्योंकि व्यापारी तो मिलते जुलते रहते थे। तो अमीर चंद ने ही इन लोगों को मिलाने का काम किया था, मीर जाफर और जगत सेठ जो लोग थे, और दूसरा इन लोगों, इन लोगों ने क्या प्लानिंग की थी कि किसी भी बहाने क्लाइव प्लासी तक आ जाएगा, क्लाइव अपनी सेना के साथ प्लासी तक आ जाएगा मीर सिराज पे आरोप लगाते हुए। उसी बीच में जो मीर जाफर है वो भी युद्ध करने आएगा, पर बीच में युद्ध के मतलब जैसे ही युद्ध स्टार्ट होगा उसी में अपनी सेना के साथ लेके अलग हो जाएगा, ये प्लानिंग बनी थी। तो बताया जाता है कि जब ये प्लानिंग बनी थी, अमीर चंद को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसी कुछ प्लानिंग है, कि सिराज को बिल्कुल हटाने के बारे में सोचा जा रहा है इस प्रकार से धोखा देके। अमीर चंद को जब पता चला तो उसने बोला कि अगर आपने मुझे खजाने का पार्टनर नहीं बनाया, जो बंगाल से जीतने के बाद जो खजाना मिलेगा उसका आधा पार्टनर नहीं बनाया और दूसरा 30 लाख रुपए नहीं दिए, तो मैं इस साजिश को अभी राजा के सामने बोलने जा रहा हूँ। ब्लैकमेल किया अमीर चंद ने किसको? अंग्रेज को। उसे नहीं पता था कि अंग्रेज उसके भी बाप है, बिल्कुल आइडिया नहीं था। क्लाइव को लगा आप क्या करना चाहिए, सही बात है, अगर इनकी साजिश पता चल जाती तो सारा का सारा बना बनाया खेल ख़त्म हो जाता। तब अमीर चंद ने क्या किया, वो क्लाइव ने क्या किया, क्लाइव ने दो पेपर्स बनवाए, एक वाइट पेपर और दूसरा रेड पेपर, पिंक पेपर। वाइट पेपर ओरिजिनल पेपर था जिसमें ओरिजिनल कंडीशन रखी हुई थी। ओरिजिनल कंडीशन क्या थी कि मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा, उसके बदले में 50 लाख रुपए मीर जाफर कंपनी को देगा, 2 लाख रुपए क्लाइव को देगा, उसके अलावा 24 परगना जो है उसकी राज्य की इनकम मीर जाफर किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। ये कंडीशन रखी गई थी मीर जाफर के सामने और मीर जाफर ने इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर मैं नवाब बनूंगा तो ये सारी चीज़ें मैं दूंगा, क्योंकि अंग्रेज तो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और 24 परगना उस समय का बहुत बड़ा एरिया था जिनकी जिसकी आय बहुत ज़्यादा आई थी। ठीक है, तो ये ओरिजिनल कंडीशन रखी थी वाइट वाले पेपर में, और उसमें ओरिजिनल साइन थे उस समय के जो एडमिरल थे वॉटसन के। जो पिंक वाला था उसमें इसकी क्या कंडीशन रखी थी अमीर चंद की, और उसमें वॉटसन के जाली सिग्नेचर थे।
डुप्लीकेट साइन थे, उसे आमिर चंद को पता नहीं चला, वो तैयार हो गया और फाइनली ये कंडीशन क्रिएट हो गया। तो प्लासी का युद्ध भी किसके बुनियाद पर रखा गया है? धोखे के बुनियाद पर। पूरा धोखा था, पूरा झूठ था, उसकी बुनियाद पर ये प्लासी का युद्ध था। अगर आमिर चंद उस समय तैयार नहीं होता, अगर सियाज को साजिश पता चल जाती तो उस केस में वो तो दबा देता। जो राजा होते थे उन्हें जैसे ही पता चलता था कि मेरे विरोधी ऐसा कर रहे हैं तो सीधे फांसी की सजा होती थी। इससे पहले के साजिशें तो पहले भी हुई हैं, इससे पहले के राजाओं ने यही काम किया। जैसे उन्हें पता चला कि कोई साजिश रच रहा है, उसे वो मरवाने का काम करते थे। पर यहाँ पर उल्टा हुआ कि इन्होंने, ये जो क्लैक था इतना क्लेवर था कि उन्होंने साजिश का पता भी नहीं होने दिया। अगर अमीर चंद बीच में नहीं होता तो मीर जाफर नहीं मिल पाता। मीर जाफर अंग्रेजों से अगर डायरेक्टली मिलजुलता होता तो सियाज को कहीं ना कहीं भनक लग जाती कि सेनापति का अंग्रेजों से क्या काम। व्यापारी का अंग्रेजों से काम हो सकता है क्योंकि अंग्रेज सिर्फ व्यापारी के रूप में आए थे, पर सेनापति का अंग्रेजों से क्या काम, उसे भनक लग जाती। परंतु वही चीज़ सामने आ गई। तो फाइनली हुआ भी यही, बाद में उसे अमीर चंद को मरवा भी दिया, मिला भी कुछ नहीं। युद्ध शुरू हो गया, उसके बाद उसने अमीर चंद को चुपचाप ठिकाने में लगवा दिया क्लाइव ने, कि वो बीच में बोल भी ना पाए। तो पूरा धोखा था। तो फाइनली 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो गंगा नदी के तट पे बंगाल में नदिया जिले में एक एरिया था, प्लासी का एरिया। तो इस तरीके से आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। यहाँ पर इनके पास ऑलमोस्ट 3000 की सेना थी, 3 से 4000 अंग्रेजों के पास, पर इसके विरोध में कितनी सेना थी बंगाल के पास? 50,000 की सेना। और यहाँ पर क्लाइव खुद आ गया था। क्लाइव तो क्योंकि पता था कि कभी ना कभी ये आएगा, तो क्लाइव अपनी सेना के साथ आ गया था, इस पर आरोप लगाते हुए कि आपने हमारी संधियों को तोड़ा है और आपने फ्रांसीसियों की हेल्प की हुई है। तो क्लाइव अपनी सेना के साथ खुद प्लासी में आ गया था। तो जब वो आ गया तो सिराज को तो जाना ही पड़ा, क्योंकि सेना के साथ आ गया। तो सिराज जब सेना के साथ आया था, उसे बिल्कुल नहीं पता था, उसे लगा था कि मेरी तो सेना काफ़ी स्ट्रांग है, 50,000 की सेना 3,000 लोगों को कहाँ फाइट कर पाएगी। पर जब सेना शुरू हुई थी तो लेफ्ट पोर्शन का सेना का लीडर था मीर जाफर, और राइट का था दुर्लभ राय। दोनों ही किससे मिले हुए थे? अंग्रेजों से। सिराज बेचारा अकेला रह गया और युद्ध में से उसे भागना पड़ गया। फिर जो मीर जाफर का बेटा था मीरन, उसने मोहम्मद बेग के कहने पर मुर्शिदाबाद में सिराज की हत्या करवा दी। इस प्रकार से सिराज का खात्मा हो गया, भागना पड़ गया था। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ, मतलब उसके साथ में भादुरी से फाइट भी की थी, मोहनलाल वगैरह कुछ लोग थे जिन्होंने भादुरी से फाइट की थी, पर कुछ ही सेना बची हुई थी, ऑलमोस्ट सारी सेना तो मिल चुकी थी, क्या फाइट करते। तो फाइनली इस प्रकार से जो सिराज था, प्लासी का युद्ध का खात्मा हुआ। जो सिराज उद्दौला था वो मारा गया था, और इसके बाद जो बंगाल का नवाब था वो कौन बन गया था? मीर जाफर। मीर जाफर, मीर कासिम बाद में बना था, मीर जाफर। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से पूरा धोखे की बुनियाद पर अंग्रेजों की पहली सत्ता रखी गई थी। वैसे इसके बारे में बोला जाता है कि ये जो सत्ता रखी हुई थी वो प्रभावहीन थी, क्योंकि इन्हें सिर्फ यहाँ से पैसा मिला था, कोई राजनीतिक स्वरूप नहीं आया था। नींव जरूर रखी गई थी बंगाल में, पर नवाब के रूप में वहाँ पे काम कर रहे थे, राजनीतिक रूप से पावर नहीं थी। और जो बोला जाता है कि यहाँ से जो इनकम हुई थी, इसकी वजह से इन्हें कर्नाटक के युद्ध में जीतने में बहुत हेल्प मिल गई थी। इसी की वजह से इन्होंने कर्नाटक का युद्ध जीत लिया था और फ्रांसीसियों को भगाने में इन्हें मदद मिल गई थी। अच्छा, कुछ फ्रांसीसी सैनिक थे जो मीर जाफर की तरफ से फाइट कर रहे थे, पर वही था, कुछ ही लोग बचे थे मीर जाफर की तरफ से, उन्होंने जो नहीं सॉरी सिराज की तरफ से फाइट कर रहे थे, कुछ सैनिक थे जो सिराज की तरफ से थे, तो फ्रांसीसी सपोर्ट में थे। उन्हें लगा था कि अगर बंगाल गया उनके हाथ से, अंग्रेजों के हाथ में, तो बस पूरा बंगाल में कभी वो आधिपत्य नहीं कर पाएंगे। पर जो होना था वो ही हुआ था, इसका राजनीतिक स्वरूप ही बना रहा था, कुछ वो नहीं चेंज हुआ था। जैसे हमारे इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार, जिन्होंने ये बोला कि बंगाल के युद्ध से मध्यकालीन भारत ख़त्म होता है और आधुनिक भारत शुरू होता है, मतलब बंगाल के प्लासी के युद्ध से ही आपको ये शुरू होता है। पर वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, पर पैसा इन्हें बहुत आया था क्लाइव के पास, और क्लाइव इसी की वजह से बंगाल का गवर्नर बना था। जब ये जीता था, इसी की वजह से इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, क्लाइव। क्लियर हुआ? समझ में आया प्लासी के युद्ध की बैकग्राउंड क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ था, अंग्रेजों ने कितना दिमाग लगाया इसे जीतने में। और सिराज था, स्ट्रांग था स्टार्टिंग में, उसने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में हेल्प भी मिल गई थी, पर वही चीज़ थी कि सिराज के खुद के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया।
उस समय पर, क्योंकि क्लाइव को पता था कि अगर उसके साथ के लोगों को मिलाया जाएगा तभी हम किले को जीत सकते हैं। और किले पर भी कब आक्रमण किया? रात के समय, जब सारे के सारे सैनिक सो रहे थे। ठीक है, ओके।